अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। वेलकम है जी एक नई वीडियो में। आज बात करेंगे चिक्स की वैक्सीन के हवाले से, और जैसे जैसे ये बड़े होते जा रहे हैं कि इनको स्पेस कितनी चाहिए है, और इसके अलावा इनकी एक्टिविटीज़ के, और आपको मैं दिखाऊंगा कि कितने ये बड़े हो गए हैं, और इनका जो है अब मैं इनको फीड वगैरह कौन सी दे रहा हूँ, और किस हिसाब से इनको जो है वो डेली की फीड जो इनको वो मैं डाल रहा हूँ। ये आज माशाल्लाह जी 15 दिन के हो गए हैं, और आप इनकी ग्रोथ चेक कर सकते हैं। पिछली वीडियोस पहले दिन से लेके आज तक की वीडियो जो है वो मैंने सब अपलोड की हुई हैं, आप देख सकते हैं कि पहले दिन से लेके इनको आज तक ये 15 दिन में माशाल्लाह इनकी ग्रोथ चेक करें। और इसमें से इनकी जो है कलगियाँ वो निकलना शुरू हो गई हैं, और इसमें से ये आप देख सकते हैं कि इनमें अब इनके जो हैं वो पर जो वाइट वाले इनके फीदर्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, और अब इन्होंने जो है वो ब्लैक कलर में आना शुरू हो गए हैं। व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इनकी दो वैक्सीन अभी तक जो हैं वो हो चुकी हैं, जिसमें इनकी IBH 120 और एनडी लासूटा जो है। लासूटा वाली जो वैक्सीन है उसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा, और उसमें उसका तरीक़ाकार भी आपको बता दूँगा कि वो उस वैक्सीन को कैसे करती हैं। यहाँ पे एक सबसे अहम बात जो मैं अपने आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आप लासूटा की जो वैक्सीन है वो आप बाज़ार से परचेज़ करते हैं तो आपको वायल मिलती है कम से कम 2000 बर्ड्स की, या 1000 बर्ड्स में भी वो आती है, लेकिन वो आपको जो वायल मिलती है वो मिलेगी आपको तकरीबन 450 से 500, और कुछ डीलर हजरात हैं जो वो 550-600 रुपये तक भी वो सेल करते हैं। इस दफ़ा दोस्तों मैंने जो है वो विज़िट किया था जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, वेटनरी डॉक्टर्स जहाँ पे बैठते हैं, और जो डॉक्टर प्रॉपर यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं मेरी इस फार्म पे, तो उनके साथ मैंने मशवरा किया था, तो उन्होंने बताया था मुझे कि जो लासूटा की वैक्सीन है वो सरकारी तौर पे जो है वो उनके पास आती है, 1 रुपया पर बर्ड के हिसाब से उन्होंने मुझसे फ़ीस चार्ज की है, और वो मुझे उन्होंने जो है वो वैक्सीन दे दी। जब वो 200 से ऊपर बर्ड्स की तादाद जाती है तो वो टोटल वाइल जो है वो मुझे मिली है 200 रुपए की, जबकि मेरे पास चिक्स की जो इस वक्त तादाद है वो है जी 251। 3 की मोर्टेलिटी हुई है और 251 इस वक्त जो चिक्स मेरे पास वो मौजूद हैं। ये सब बड़े के बड़े चिक्स हैं, और जो छोटे चिक्स हैं वो यहाँ पे इस जगह पे मैंने रखे हुए थे, अब मैंने उनको अलग कर दिया है, वो छोटे ब्रूडर में मैंने उनको शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ये माशाल्लाह बड़े हो गए थे काफ़ी और अब इनको स्पेस चाहिए था, तो ये उस जगह पे बहुत तंग थे। अच्छा, तो दोस्तों जो आप जब भी लासूटा की जो वैक्सीन आप अपने चिक्स को करें, तो आप कोशिश करें कि आपके नज़दीक तरीन जो भी वेटनरी हॉस्पिटल होता है वहाँ पे जहाँ पे मुर्गियों का इलाज वगैरह किया जाता है, तो आप वहाँ पे डॉक्टर साहब के पास जाएं और उनसे कहें कि लासूटा की जो वैक्सीन है वो आपको दे दें। एक तो वो सरकारी है, और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि वो खालिश वैक्सीन है, और उसमें एक्सपायरी वाला या कोई इस तरह का जो चक्कर होता है वो वहाँ पर नहीं है। जो एक्सपायरी होती है वो फ़ौरन उसको जो तलफ कर देते हैं उस वैक्सीन को, और ये है कि बाज़ार से वो सस्ती भी मिल जाती है। उसके बाद जो है IBH 120, लासूटा, गंबोरो और इस तरह की वैक्सीन भी उनके पास अवेलेबल होती हैं, लेकिन वो उनके पास स्टॉक आने पर होता है सरकारी हॉस्पिटल्स में। अगर वो आपको वहाँ से मिले तो वो आप वहाँ से लेके कर सकते हैं, क्योंकि जो हुकूमत पाकिस्तान का जो मंसूबा है लाइफ स्टॉक का, वो उसमें जो ये वैक्सीन को सारी ये बाहर से इम्पोर्ट करती हैं। तो आप लोगों के लिए भी मशवरा है कि अगर आप चाहें, अगर आपका दिल मानता है इस चीज़ को, तो आप भी वो वैक्सीन वहाँ से लेके इनकी कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आज ये माशाल्लाह 15 दिन के हो गए हैं, जो छोटे चिक्स हैं उनको मैंने अलग कर दिया है, क्योंकि वो ब्रूडर में जो है ये यहाँ पे इस जगह पे बहुत जो है ना ये तंग हो गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी जो है ये परेशान होते थे, और ये चिक्स एक दूसरे के ऊपर हर वक्त चढ़ के रहते थे, जिसकी वजह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह कोई मोर्टेलिटी तो नहीं हुई है, लेकिन एक दो जो चिक्स हैं वो बहुत बुरे तरीके से ज़ख्मी हो गए।
तो उनको मैंने प्रॉपर ट्रीटमेंट किया, उनको मैंने निकाला, इनमें से अलग कर दिया, क्योंकि उनके जब वो ज़ख्मी हुए हैं तो उनका जब खून निकलना शुरू हुआ है तो इन चिक्स को फ़ौरन उसकी तरफ उनकी तरफ मुतवज्जो हुए हैं और इन्होंने उनको चूँचे मारना शुरू कर दिए हैं, और जिसकी वजह से उनके ज़ख्म जो है वो मज़ीद बढ़ने लगे। वो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उनको बड़े टाइम पे और मौके पे उनको देख लिया, तो मैंने उनको वहाँ से अलग कर दिया। उसके बाद उनको प्रॉपर गर्म पानी से जो है मैंने कॉटन के साथ उसको गर्म पानी के साथ करके उनको साफ़ किया अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद उसके बाद पायोडीन और पोलीमाइसिन जो मरहम मिलती है बाज़ार से वो मैंने उनके ज़ख्मों के ऊपर लगाई, और उसके बाद जो है इनको थोड़ी देर के लिए जो है वो हीट में उनको रखा है, क्योंकि सर्दी है तो सर्दी का मौसम है, तो ये अभी तक ब्रूडर में ही हैं स्टिल, और जो है क्योंकि सर्दी का मौसम है अभी रातें ठंडी हैं और दिन में धूप निकल आती है, लेकिन ये है कि उस हिसाब से अभी ये खुले नहीं फिर सकते। ये देखें ये अभी जो है दिन के अभी जो 4:15 हुए हैं, 4:15 का टाइम हो गया, और लेकिन ये चिक्स अभी मेरे पास इस तरह से बैठे हुए हैं, और ये देखें जो टेम्परेचर है वो अभी भी 32.1 है और जो नमी है वो 44% है। तो अभी जो है ये देखें मैंने जो है ना ये फ्लेक्स उठा दिए यहाँ से, जिसकी वजह से ये बाहर जो लगी हुई इनकी शीटें हैं वो उठा दी हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे 1-2 पॉइंट गया, और ये अभी इस तरह से आके ये बैठ गए हैं। और ये भी बात है कि इनकी एक रूटीन बनी हुई है कि इन्होंने खाना खाना होता है जो मैं इनको फीड वगैरह डालता हूँ, फीड और पानी वगैरह इन्होंने खाने पीने के बाद फिर आराम सुकून ये करते हैं। अभी ये इस तरह से जो है ना एक दूसरे के साथ जुड़ के और इस तरह से ये देखें आराम फरमा रहे हैं, तो ये अभी कोई 10-12-15 मिनट इस तरह से बैठेंगे, उसके बाद फिर उठ के ये फिर दोबारा इसी तरह से दौड़ना शुरू कर देंगे और अपनी फीड वगैरह खाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ये जो है अभी इनको मैं जो इनका इनको ब्रूडर में ही रखा हुआ है, इनका टेम्परेचर जो है वो 30 से कम नहीं होता, और ये जो चिक्स हैं ये अपना अच्छी माशाल्लाह ग्रोथ कर रहे हैं, प्योर ऑस्ट्रेलॉस के ये चिक्स हैं, और अच्छा फ्लॉक जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे मिल गया है। और अभी जो मेरा इरादा ये है कि अभी इंशाल्लाह इनको मैं जो है वो ब्रीडर तैयार करूँगा एज ए ब्रीडर, इनसे इंशाल्लाह जो है एग्स जब प्रोडक्शन इनकी स्टार्ट होगी तो फिर इनको जो है इनके एग्स वगैरह इंशाल्लाह सेल वगैरह करने का मेरा जो है वो प्रोग्राम है। अभी ये जगह जो है दोस्तों मैं अभी आपको दूसरी साइड से भी दिखाऊंगा बाहर से, ये जहाँ पे ये सामने वाली शीट लगी हुई है, ये वाली शीट अभी जब हटाएंगे तो इससे इस पिंजरे का अगला जो बाहर वाली साइड है वो शुरू हो जाएगी, वहाँ पे वो दूसरे छोटे चिक्स का ब्रूडर पड़ा हुआ है और उसमें वो चिक्स हैं, अभी उनको तकरीबन इनके साथ इकट्ठा करने में वो अभी इतने दिनों में जब अभी उनको तकरीबन कोई 10 दिन का टाइम अभी चाहिए, तो 10 दिन बाद वो जो है इनके साथ उनको भी छोड़ दिया जाएगा और उनको इनके इकट्ठा ही कर दिया जाएगा और वो ब्रूडर को फिर मैं ख़त्म कर दूँगा दोस्तों। लेकिन ये है कि अभी इनको मैंने स्टिल अभी जो है अभी ब्रूडर में ही रखा हुआ है, इन बड़े चिक्स को भी आज 15 दिन के माशाल्लाह हो गए हैं, लेकिन इनको अभी तक मैंने बाहर एक दिन भी नहीं छोड़ा, सिर्फ ये है कि हल्की फुल्की से बाहर से जो शीटें वगैरह वो उठा दी जाती हैं ताकि जो अंदर टेम्परेचर या नमी या अंदर कोई जो गैस वगैरह बन जाती है तो वो बाहर जो है वो निकल जाए, लेकिन रात के टाइम जो प्रॉपर इनको मैं कवर करता हूँ और इनको जो है अंदर टेम्परेचर इनका है, ये देखें जो ये चूल्हा मैंने रखा हुआ है इसको मैंने इस तरह से कवर कर दिया क्योंकि अब ये चूल्हा के ऊपर जो चढ़ना शुरू हो गए थे, तो खुदा ना खासा किसी बर्ड्स का ऐसे जो है वो नुकसान हो सकता है, तो इस वजह से मैंने इनको इस तरह से कवर कर दिया, और ये चूल्हा जो है 24 आवर्स ये चल रहा है। तो आप अपने जो बर्ड्स हैं इनके लिए इंतज़ाम रखें और सफाई का इंतज़ाम, ये देखें मैंने अभी ये परसों इनकी जो है ये शीटें मैंने इनकी चेंज की हैं नीचे से, और अभी आप ये हाल देख सकते हैं ब्रूडर का इस तरह से है कि जैसे कभी सफाई हुई नहीं है। अभी जो है इनको स्टिल अभी 40 डे तक जो है ये इसी तरह से इनका काम चलेगा, 40 डे के बाद इनकी ब्रूडिंग जो है ये ख़त्म हो जाएगी, ब्रूडिंग से ख़त्म होने से मुराद ये है कि अब स्टिल इनका जो है वो 30 तक मैं इनका जो टेम्परेचर वो कल से इंशाल्लाह मेंटेन करूँगा, और 30 से फिर हर हफ्ते जो है इनका एक एक डिग्री जो है वो दर्जा हरारत नीचे आता जाएगा और ये फिर एक आम रूम टेम्परेचर पे जिस पे जो टेम्परेचर होगा ये उस पे आएंगे और ये उस पे आकर जो है अपना ये उस पे फिर आम रूम टेम्परेचर पे रहेंगे, और ये चूल्हा वगैरह और ये जो है बल्ब वगैरह इनको चूल्हे को उठा दिया जाएगा और जो बल्ब हैं ये इनको ज़रा ऊपर हाइट पे कर दिया जाएगा कि जब इनको रोशनी चाहिए होगी रात को तो इनको रोशनी देंगे, अदरवाइज़ जो है इनको रोशनी को बंद कर दीजिएगा। अच्छा दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये माशाल्लाह आज 15 दिन के हो गए हैं और मैंने अब इनकी रूटीन ये कर दिया है कि रात को जो है ये वाले इनके बल्ब जल रहे हैं रात को मैं इनको बंद कर देता हूँ,
तकरीबन रात को कोई 10-11 बजे जो है ये बल्ब इनके मैं बंद कर देता हूँ। वो 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है और ये एक 60 वाट का बल्ब है। तो रात को सिर्फ एक ये वाला बल्ब जो है ये 60 वाट वाला ये चलता है और वो बड़े वाला बंद कर दिया गया, क्योंकि ये सारा दिन जो है ये चूज़े फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं माशाल्लाह, और जो एक्टिव रहते हैं, तो रात को अब इनको ज़रा आराम करने की ज़रूरत है। तो इस वजह से जो है ब्रूडर के अंदर थोड़ी सी बस रोशनी रहती है, जिसमें ये थोड़ा सा मूव कर सकते हैं और एक जगह पे बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद जो है ये अपना चल फिर भी सकते हैं, और इतनी सी रोशनी होती है कि जिसमें ये आराम से एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। लेकिन इस तरह से जो भाग दौड़ करना और जो है वो इस तरह से सीन नहीं है, क्योंकि अब जैसे जैसे आगे मौसम चेंज हो रहा है और जैसे जैसे ये बड़े होंगे तो इनकी रात को इनको लाइट जो है वो बंद कर दी जाएगी, और जब ये एग प्रोडक्शन पे आएंगी ये मुर्गियाँ तो तब इनको पूरे 18 घंटे की जो रोशनी इनको वो मुहैया की जाएगी। ये एक छोटी सी वीडियो थी, और ये आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि ये देखें मैंने बर्तन जो हैं इनके वो छोटे ट्रे थे वो मैंने उठा दिए हैं, और अब ये बड़े बर्तन जो हैं इनमें ये फीड वगैरह खा रहे हैं, और ये देखें, और ये इसमें जो मैं पानी, और इनको जो दोस्तों जो है सेब का सिरका इनको मैं यूज़ करवा रहा हूँ। 10 दिन पहले जो करवाए हैं उसमें, फिर जिस दिन वैक्सीन इनकी करनी होती है उस दिन फिर आप इनको जो है वो सेब का सिरका नहीं दे सकते, क्योंकि वैक्सीन का फिर असर जो है वो ज़ाहिल कर देता है। सेब का सिरका अगर आप इनको पिलाते हैं तो आपके बर्ड्स की ग्रोथ ऑटोमेटिकली जो है वो अच्छी होगी, क्योंकि सेब का सिरका इन बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ये इब्तदाई दिनों में जो है ये जब खुराक खाते हैं और पानी वगैरह पीते हैं तो इनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है, और जो सेब का सिरका है वो इस चीज़ में बहुत मुआवन साबित होता है इनके लिए, कि इन जो ये खुराक वगैरह खाते हैं उसको अच्छे तरीके से हज़म करते हैं, और एंटीबायोटिक है कुदरती तौर पे जो सेब का सिरका है। तो आप भी अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएं। अभी मैं इनको तकरीबन 8 दिन मैंने जो है ना वो यूज़ करवा दिया, अभी 2 दिन बीच में बाकी हैं, और उसके बाद फिर जो है वो सेब का सिरका इनको तकरीबन जो है हफ्ते में फिर मैं इनको 4 दिन सेब का सिरका दिया करूँगा। वैक्सीन इनकी 2 हो गई हैं, और हर वैक्सीन के बाद इनको जो है वो ब्रूफेन में सिरप में जो है सिरप वो पानी में मिला के इनको दे दिया जाता है, और ये वो पी के जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। बायोसिक्योरिटी का सिस्टम दोस्तों मैंने जो है वो प्रॉपर रखा हुआ है, बायोसिक्योरिटी के ऊपर मैं किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ। ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा, ये देखें स्टिल अभी तक जो ये चूना मैंने यहाँ पर फेंका हुआ है, और वो बाहर बर्तन एक पड़ा हुआ छोटा सा, ये मैं आपको दिखाता हूँ वो देखें, और इस बर्तन में जो है वो मैंने पानी जो है वो डाल के रखा हुआ है, और उसमें फर्नाइल जो है वो मैंने डाल के रखी हुई है, पाँव उसमें डिप करके चूने में पाँव लगा के फिर उसके बाद मैं इस अंदर यहाँ पे आता हूँ। तो आप भी अपने बर्ड्स को अगर अच्छा उनकी ग्रोथ देखना चाहते हैं तो बायोसिक्योरिटी का ख़ास तौर पर ध्यान रखें, और उसके बाद ब्लीच वाला जो पानी है वो लेके जो है पिंजरे की बाहर वाली साइड पे, और जहाँ से आपकी एंट्रेंस है और जहाँ पे आप ज़्यादा आपका आना जाना है तो वहाँ पे आप उसको छिड़क सकते हैं, उसको पानी को जो है वहाँ पे उसका स्प्रे कर दें, और गर्म पानी में उसको मिला के जो ब्लीच पाउडर होता है उसको मिक्स करके आप वहाँ पे उसका छिड़काव कर दें, ताकि इससे जो है ना वो जरासीम वगैरह आपके फार्म पे कोई नहीं आते, और जैसे कि आजकल वैसे भी ज़रा कोरोना का मामला चल रहा है तो वो उसमें भी बहुत मददगार साबित होता है, जिससे कि वो जरासीम जो होते हैं वो उसके ख़त्म हो जाते हैं। ये एक छोटी सी वीडियो थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी, और ये देखें ये यहाँ पे एक वो बड़ा बर्तन लगा हुआ है, बड़ी डक्ट है जो यहाँ पे लगी, अभी इसके नीचे वाली जो साइड है इसको मैंने ईंटों से कवर किया होता है, वरना ये इसके नीचे जो है वो घुस के बैठ जाएंगे। इसमें मैं थोड़ी सी फीड डाल देता हूँ, ये अपनी मस्ती के लिए जो है ना ये इसमें चले जाते हैं और इसमें जाके अंदर इसके घुस जाते हैं, और वहाँ से जाके ये फीड वगैरह खाते हैं और फिर उसके बाद बाहर आ जाते हैं। ये देखें जी, इन्होंने सब ने फीड खा ली है और अब ये जो है आराम फरमा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपनी राय से हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप लोगों के पास कोई बेहतर और अच्छा आइडिया हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।